वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। फ्रेंड, आज माँ का चैत्र दुर्गा पूजा का तृतीय दिन है, तीसरा दिन है। इस दिन माँ का स्वरूप जो है चंद्र घंटा का होता है। चंद्र घंटा का स्वरूप है इस दिन माँ का। माँ का तीसरी शक्ति का नाम चंद्र घंटा है। नवरात्रि उपासना के तीसरे दिन इन्हीं के विग्रह का पूजा का आराधना किया जाता है। इनका यह स्वरूप परम शक्तिदायक और कल्याणकारी होता है। इनके मस्तक पे घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, चंद्र रहता है। इसी कारण इन माँ को चंद्र घंटा कहा जाता है, देवी माँ कहा जाता है। इनका शरीर का रंग स्वर्ण की तरह चमकता है और इनके दस हाथ में दसों हाथों में खड्ग, शस्त्र और बाण आदि से विभूषित है। इनका दस हाथ में सभी अस्त्र शस्त्र से विभूषित है। इनका वाहन सिंह है। इनका मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की होती है। इनके घंटे किसी भयानक चंड ध्वनि से अत्याचारी दानव दैत्य राक्षस सदैव प्रकंपित रहता है। नवरात्र की दुर्गा उपासना के तीसरे दिन पूजा का अधिक महत्व होता है। माँ चंद्र घंटा की कृपा अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है, विविध प्रकार की दिव्य ध्वनियों सुनाई देती है। ये क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने का होता है। माँ चंद्र घंटा के कृपा से साधक जो कि पूजा करते हैं, साधक मतलब जो पूजा करते हैं, जो उपासना करते हैं, जो उपवास रखते हैं, समस्त पाप और विघ्न को विनष्ट करने वाला होता है, नाश करने वाला होता है। इनकी आराधना फलदायक होता है। इनकी मुद्रा सदैव युद्ध के लिए अभिमुख होता है। अगर अतः भक्तों का कष्ट निवारण में अत्यंत शीघ्र कर देती है। इनका वाहन सिंह अतः इनका उपासक सिंह के तरह पराक्रमी निर्भय होता है। इनके घंटे की ध्वनि सदा भक्तों को प्रेरित करते रहती है, बाधाएं से सुरक्षा देती है। इनका ध्यान करते शरणागत की रक्षा के लिए घंटे की ध्वनि बजने लगती है। दुष्टों का दमन विनाश करने का सदैव तत्पर रहता है। इनकी आराधना से प्राप्त होने वाला एक बहुत बड़ा सद्गुण है कि आदमी निर्भय रहता है जो इनका पूजन करते हैं। उनका विकास होता है, उनके मुख नेत्र संपूर्ण काया गुण वृद्धि होती है, स्वस्थ रहते हैं, उनके पास धन्य धान्य संपन्न रहते हैं जो इनके उपासना या इनका उपवास करते हैं। स्वर में दिव्य अलौकिक माधुरी समावेश हो जाता है, बातचीत का भी मधुर होता है उनका। माँ चंद्र घंटा के भक्त उपासक जहाँ भी जाते हैं, लोग उन्हें शांति सुख का अनुभव करते हैं, लोग उन्हें देखकर शांति सुख का अनुभव करते हैं। बहुत ही तेज आ जाता है माँ चंद्र घंटा के उपासकों को, उनकी जो उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, उनमें दिव्य प्रकाश आ जाता है। तो इस तरह करके माँ चंद्र घंटा का उपासना करने से या उनके संपर्क में जो ने आने से आदमी जो है बहुत सुख का अनुभूति करता है। हमें चाहिए कि अपने मन, वचन, कर्म, काया सभी को शुद्ध, परिशुद्ध और पवित्र माँ चंद्र घंटा की शरणागत शरण में जाकर उनकी उपासना करें और सांसारिक कष्टों से विमुक्त हुएं होकर सहज माँ का आराधना करें। इस तरह माँ का तीसरा रूप चंद्र घंटा का है। इसमें आरती भी माँ चंद्र घंटा का अलग तरह से किया जाता है, वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें है जय अम्बे गौरी मैया जय मंगल मूर्ति
तुमको निस दिन ध्यावत, माता जी को निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिबिरी, जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर बिराजत, टीको मृग मद को, उज्ज्वल सोसे दो नैना, चंद्र बदन नी को, जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गल माला, कंठन पर साजे, जय अम्बे गौरी, के हरि वाहन राजत, खड़ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी, जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभि, नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, समराजत ज्योति, जय अम्बे गौरी, शुंभनि शुंभ बिदारे, महिषासुर धाती, धूम्र बिलोचन नैना, निस दिन मद माती, जय अम्बे गौरी, 64 युग निगावत, नृत्य करत भैरू, बाजत ताल मृदंगा, बाज ढोल मृदंगा, और बाजत डमरू, जय अम्बे गौरी, भुजाचार अति शोभित, वर मुद्रा धारी, मन वांछित फल पावत, मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी, जय अम्बे गौरी, कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती, श्री माल के तुमे राजत, कोटि रतन ज्योति, जय अम्बे गौरी, श्री अम्बे जी की आरती, जो कोई दर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, बनत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे, जय अम्बे गौरी, जय मैया। ये आरती जो है ना, ये कॉमन है, ये अलग वाला नहीं है, ये कॉमन है। ये जब भी माँ देवी माँ का पूजा होता है तो जग जननी जय जय माँ या जय अम्बे गौरी, ये आरती किया जाता है। तो ये आरती करके आप भी पूजा को समाप्ति करें। और अभी मैंने जो माँ के पूजा करने से, उपासना करने से उपासक जो है साधक को कितना सुकून मिलता है उसके बारे में जो बताया, सो वो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे वीडियो का लिंक आप तक पहुंचे। तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ चौथे पूजा में, माँ गौरी का, माँ अम्बे का, माँ भवानी का, माँ शेरेवाली का, फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।